नहीं आज खुशी की बात है कि यहाँ पर आइए। आज जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल का जो आज बाजाबता उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग कितना पहले से प्रयास किए। जयप्रभा अस्पताल जो कभी आप सोच लीजिए 79 में जिसकी शुरुआत की गई, और जेपी की इच्छा जो थी जब वो जीवित थे तभी उनकी इच्छा थी कि भाई कैंसर का इस बनना चाहिए अस्पताल, और उसमें शुरुआत हुई। आगे तो कुछ काम होता रहा लेकिन उतना नहीं। तो उसी समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है 2005 से, तो उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा कुछ करें। इसके लिए काफ़ी विचार विमर्श करते हुए और अंततो गत्वा, और न जाने कितने जो अस्पताल चलाते हैं उन लोगों के साथ कितनी बातचीत और सब कुछ, लेकिन कोई आके तैयार नहीं हुए। तो हमको तो खुशी है कि मेदांता हॉस्पिटल के अपना चलाने वाले ही तैयार हो गए त्रहान साहब। तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जब 2006 में इसका हम लोगों ने शिलान्यास किया, और लास्ट ईयर तो आप जानते ही हैं कि एक हिस्सा का शुरू हुआ कि आउटडोर लोगों को पेशेंट को देखेंगे, अब वो तो शुरुआत हुआ। लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की इच्छा थी कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल शुरू हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इन्होंने दिखा दिया, एक एक जगह पर देख लिए। अब एक ही चीज़ हमने इनको कहा है, वो है कि भाई कैंसर का जल्दी से जल्दी वो भी काम शुरू करा दीजिए, क्योंकि श्रद्धेय जेपी की इच्छा जो थी वो यही था कि कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो कर दिए, कैंसर वाला ही प्रोसेस में इनका है, तो हमने ही इनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी कैंसर का भी विंग आप अपना तेजी से शुरू करा दीजिए, यही हम लोगों का है। लेकिन जो कुछ भी हमने देखा है बहुत अच्छा है, और जो पहले से इनके साथ जो बातचीत हुई है कि गरीब गुरबा तबके के लोग आएंगे तो 25% उसके लिए इंतजाम रखे हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है तो जो होता है नेशनल लेवल पर जो है तय, हाँ, तो उसी हिसाब से होगा यहाँ उनका ट्रीटमेंट, उतना ही पैसा लगेगा। तो ये सारी बात है, और हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर से पहले ही से एग्रीमेंट है कि उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉर्मल रेट, मतलब इनका जो अपना रेट है उस पर नहीं बल्कि कम रेट पर होगा। तो सारी बात है, और उस हिसाब से तो ये करे ही, तो ये हमको पूरा भरोसा अब शुरू हो गया, सबको सुविधा होगी। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में तो बहुत नाम है इनके अस्पताल का, और कई जगह इन्होंने स्थापित किया है, अब बिहार में भी और पटना में भी इसकी शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। और ज़रा जान लीजिए कि नाम भी इनके साथ जुड़ गया, जय प्रभा मेदांता। तो आप सोच लीजिए कि अब जेपी के साथ लगाव इनका रहेगा तो निश्चित रूप से सब लोगों के साथ बेहतर ट्रीटमेंट हो, ये तो इनका है ही बेहतर ट्रीटमेंट करने का। आप डॉक्टर्स और दूसरे सारे जो इनके अलग स्टाफ हैं उन सबको भी ले आए हैं, तो काम शुरू हो जाएगा। तो देख करके आज मुझको खुशी हुई है, इसलिए अब हम लोगों को इस बात को लेकर के एक सेटिस्फैक्शन है, संतोष हुआ है, और जो बात कहनी थी उतनी बात हम लोगों ने कह दी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।